हेलो एंड वेलकम। तो आज हम पढ़ेंगे BEGLI 135 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एवरी एग्जाम में आते हैं BEGLI 135 के, आज हम वो पढ़ेंगे। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखो। जो एवरी एग्जाम में BEGLI 135 के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, क्वेश्चन विद आंसर्स आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में देख लेते हैं, जो कि यूजुअली एवरी BEGLI 135 के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। वो है, हमेशा आपको आएगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, ओके। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एवरी BEGLI 135 के उसमें आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो आप इसे। तो अगर आपको ये सॉल्व नहीं करना आता है कि रीड द कंप्रेशन एंड आंसर दैट, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, अगर आपको ऐसा नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको उसके लिए भी वीडियो बना दूँगी। पर ये बहुत ईजी है, इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, कोई भी पैराग्राफ, आपको उसको पढ़ना है और उस पैराग्राफ में जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उसके आंसर देने हैं। तो बहुत सिंपल है, ओके। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एवरी उसमें आता है, और अगर आपने ये कर लिया तो इसमें आपको यूजुअली ये आपका होता है 10 नंबर का हो जाता है आपका ये टोटल रीड द फॉलोइंग पैसेज। अगर आप कर लोगे सारा, अगर आप बहुत ईजी है पैसेज पढ़ना होता है उसका आंसर देना होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर का होता है, तो 10 नंबर तो आपके वैसे पक्के अगर आपने ये कर लिया तो। फिर आपके आते हैं यूजुअली, फिर आपका सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे जो BEGLI 135 में आता है, वो आता है कि कोई भी वर्ड लो, मतलब कोई भी वर्ड जैसे आपको दे देंगे ऑनर, सेलिब्रिटी, शोड अप, ऐसे करके कंडेम, टफ, ऐसे कोई भी वर्ड्स, रैंडम ऐसे कोई भी वर्ड देंगे आपको और कहेंगे सिर्फ वर्ड से सेंटेंस बनाओ, मेक अ सेंटेंस ऑफ यूजिंग दिस वर्ड, ऐसे करके। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आएगा और ये होगा आपका 5 नंबर का, ठीक है। आपको ऐसे 5 वर्ड्स दे दिए जाएंगे और उसके आपको आंसर बनाने हैं। तो ये भी बहुत सिंपल होगा, कोई भी वर्ड लो, जैसे मान लो आपको सेलिब्रिटी मिला तो आप उसका आंसर कैसे बना सकते हो, दैट यस्टरडे आई मेट विद अ सेलिब्रिटी, ऐसे एक सिंपल सा क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। अगर आपको मिला है टफ तो आप टफ का बना सकते हो कि माय लास्ट एग्ज़ाम इज़ वेरी टफ, ऐसे करके वेरी सिंपल सेंटेंसेस बन जाएंगे आपके। आपको एक क्वेश्चन, एक वर्ड मिल सकता है सिंपल, तो आप बोल सकते हो कि दिस पेपर इज़ वेरी सिंपल फॉर मी, या ऐसा करके कोई भी आपको वर्ड्स मिलेंगे 5, मेक श्योर वो सब कर लो, आपके 5 नंबर डन हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपको ये 5 नंबर हो जाएंगे, आपको 10 नंबर आपने रीड द पैसेज से कर लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। फिर आपको एक क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब एनीथिंग अबाउट 250 वर्ड्स, मतलब कि 250 शब्दों में आपको कुछ डिस्क्राइब करना है, कुछ भी कर सकते हो आपको, जैसे आपको बोल देंगे डिस्क्राइब इन 250 वर्ड्स की कोई सोशल साइट्स के रेगुलर यूज़, कि सोशल साइट्स के ऊपर डिस्क्राइब करो 250 वर्ड्स में, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे डिस्क्राइब करो। वो तो मैंने आपको सॉल्व क्वेश्चन पेपर में बताया ही है। ऐसे काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे आपको आ जाएगा कि एयर पोल्यूशन के बारे में, तो उसको डिस्क्राइब करो एयर पोल्यूशन को कि क्यों होता है और कैसे हम उससे बच सकते हैं, ऐसे करके कुछ भी आ सकते हैं, तो वो आप प्रिपेयर कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, टोटल 20 मार्क्स का होता है ये। अगर आपने ये कर लिया और 10 नंबर आपके सेंटेंस वाले के आ गए रीड द फॉलोइंग पैसेज के, 5 नंबर आपने सेंटेंस से ले लिए, 20 नंबर अगर आपने इसके ले लिए, तो टोटल जाएंगे आपके 35 मार्क्स, और हमें 35 मार्क्स ही चाहिए पास के लिए। तो अगर आपने इतना भी कर लिया ना तो भी आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो आपको कोई भी डिस्क्राइब आ जाएगा, मतलब एक तरह से आपको ऐसे टाइप ही आएगा, आपको उसके बारे में डिस्क्रिप्शन करना है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की, सोशल नेटवर्किंग साइट बहुत ही यूज़फुल है, इट्स वेरी यूज़फुल, वी हैव लाइक वी गेट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज थ्रू दैट, वी कैन ग्रो टू दैट, लाइक ओपनिंग आवर ओन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, लाइक दिस टाइप ऑफ एडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट। और अगर आप डिसएडवांटेजेस लिखोगे तो लिख सकते हो आपकी इट्स लाइक मेक यू समटाइम्स इट वेस्ट योर टाइम, यू जस्ट रैंडमली स्क्रोलिंग डाउन थिंग्स, एंड ऑफ कोर्स इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, अननेसेसरी थिंग्स इज यूज टू सी दैट, सम नॉट लाइक अंडर एज कंटेंट विल बी
like usually very easy to see on social media. So it's a disadvantage for that kids are not safe while using internet. ऐसे करके आप कोई भी डिस्क्राइब कर सकते हो 250 वर्ड्स में. बहुत सिंपल हो जाएगा. अगर आपको बोलना है एयर पोल्यूशन की कैसे होता है, इसको डिस्क्राइब करो और कैसे हम उससे बच सकते हैं, तो आप बोल सकते हो दैट सो मैनी फैक्ट्रीज आर मेकिंग बैड केमिकल, सो दे आर लाइक उनका जो भी धुआं है वो आता है. ऐसे करके आप कुछ भी बना सकते हो. आप बना सकते हो कि क्यों होता है कि केमिकल्स बनाती है कंपनी, इसलिए होता है उनकी फैक्ट्रीज में से निकलता है. कार्स हैव सो मैनी लाइक CNG कार्स मेक सो मैनी पोल्यूशन ऐसे टाइप. ठीक है, बहुत सिंपल होगा. 20 नंबर का ही आपने कर लिया, 20 नंबर पक्के हैं. या फिर आपको ये भी आ सकते हैं कि आप कोई रीजनल उसके बारे में बताओ, कोई रीजन कोई स्टेट के बारे में उनकी खासियत, या कोई फोक, कोई पॉपुलर फोक टेल बताओ, ऐसे करके भी आ सकते हैं. तो आप इन सबको भी पढ़ते रहो, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ये मैंने आपको अपनी जो मैंने सॉफ्ट क्वेश्चन पेपर बनाया उसमें भी करवाया है आपको. फिर इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पीच राइटिंग. ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्पीच राइटिंग, आता ही आता है अभी GL 1135 में. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. जैसे कि स्पीच मतलब आपको किसी भी चीज़ पर स्पीच देनी है. मान लो आप एक यूनियन इनएक्शन के लिए खड़े हो रहे हो, तो स्पीच तो किसी भी चीज़ के लिए आप अपनी सोसाइटी में MLA वहाँ के वहाँ पे जाके स्पीच दो, या किसी भी चीज़ में आपको स्पीच देने के लिए आ सकते हैं. तो स्पीच प्रिपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना दूँगी कि स्पीच के ईजीएस्ट वे और ट्रिक्स. ठीक है, वो भी बहुत ईजी रहेगा. वो स्पीच भी 20 नंबर की होती है. अगर आपने कर लिया तो फिर से 20 नंबर पक्के हैं. नहीं तो थोड़ी बहुत भी लिख दो. स्पीच मतलब भाषण देना, अगर आपको आता ही होगा, सबको आता है. कोई भी टॉपिक लो, उस पर भाषण भी क्रिएट करो और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके कर दो. बहुत सिंपल है. भाषण देना तो आता है, किसी टॉपिक के बारे में बोलना, बस वही करना है आपको स्पीच में. बहुत सिंपल होगा. ठीक है, कोई भी टॉपिक मिलेगा आपको, उसके बारे में कुछ कुछ लिखते जाओगे. आप स्पीच दे रहे हो ऐसे कि हम फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं कि हाय ये जो भी आपको उसमें बताएंगे क्वेश्चन में, ये आई एम स्टैंडिंग फॉर यूनियन इलेक्शन, सो प्लीज सपोर्ट मी, आई एम डूइंग दिस, आई एम लाइक आई मेक रोड क्लीन्स एंड मेक टॉयलेट फॉर गर्ल्स एंड ऑल दैट, नॉट लाइक पब्लिक टॉयलेट क्लीन, वी हैव मेक मी एंड माई टीम मेक्स ईजियर लाइक जो रोड भी रोड पर गड्ढे हैं वो सब सही कर देंगे. ऐसे करके अगर आप किसी इलेक्शन में खड़े होने की स्पीच देने, तो वो सब आपको देनी. सिंपल है, आपको नहीं आएगी. मैं बहुत जल्दी आपको स्पीच राइटिंग की भी वीडियो बना दूँगी. ठीक है, फिर आता है डायलॉग राइटिंग. ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हैं हम इसको. 10 नंबर का होगा. आपको डायलॉग करना है, मतलब कि कोई भी कन्वर्सेशन आपको दे दी जाएगी क्वेश्चन के अंदर कि डिस्कस अबाउट दिस, और जो भी है रैंडम सिचुएशन आपको दे दी जाएगी, आपको उस पर डायलॉग मतलब कि डिस्कशन करना है. जैसे कि एक आप और एक आपके फ्रेंड के बीच में, तो ये तो सबको आता है. कोई भी मनगढ़ंत बातें बनानी है और बस ये बनाने की, मैंने ये कहा कि हाउ आर यू, उसने कहा या आई एम फाइन, फिर मैंने पूछा दैट वेयर यू गोइंग, उसने कहा आई एम गोइंग देयर, जो भी इस पे प्लेस है. फिर मैंने पूछा दैट वाई आर यू गोइंग, फिर उसने कहा दैट आई एम डूइंग गोइंग फॉर माय जॉब इंटरव्यू या समथिंग एल्स. ऐसे बहुत सिंपल डायलॉग बन जाते हैं. उसके लिए भी अगर आपको नहीं आएगा तो मुझे बता देना, मैं आपको हेल्प कर दूँगी. फिर आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आ जाता है कि कोई आपको उसमें क्वेश्चन बनाने, जैसे कि आपको बोल देंगे यू हैव आप एक कॉलेज राइट कॉलेज का कोई आर्टिकल लिखना है आपको, तो TV न्यूज़ राइटर TV एंकर से आपको क्या 10 क्वेश्चन पूछोगे, या फिर आप एक पॉलिटिशियन से क्या 10 क्वेश्चन पूछोगे, या आप क्रिकेटर से क्या 10 क्वेश्चन पूछोगे. बस आपको वो क्वेश्चन बनाने, बहुत सिंपल है. 5 नंबर के होते हैं, कर लिए तो 5 नंबर पक्के. फिर आपको थोड़ी सी ग्रामर आती है बीच में कि आपको यूजिंग आर्टिकल्स यूजिंग प्रीपोजिशंस ऐसे करो, या सही वर्ब की, ऐसे सिर्फ क्वेश्चन आते हैं. वो भी बहुत सिंपल होते हैं, सब कर लेते हैं. बस आपको सही वर्ब लगानी है, प्रीपोजिशंस आर्टिकल्स लगाने. आर्टिकल्स जैसे ए एंड द, ठीक है. प्रीपोजिशंस वो होते हैं जो आपको कोई प्लेस दिखाते हैं, जैसे कि इन बिटवीन. बिटवीन एक प्लेस है ना, कि दो लोगों के बीच में बिटवीन. ऐसे इन मतलब उस चीज़ के अंदर, अपवर्ड बिलो, ऐसे जो पोजीशन को दिखाते हैं उन्हें प्रीपोजिशंस कहते हैं. और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आ सकता है लेटर राइटिंग. लेटर राइटिंग तो आती ही आती है BEG 1135 में. वो आपको प्रिपेयर कर लेनी है.
उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, लेटर राइटिंग को आप जाके देख सकते हो। बहुत ही मैंने आपको उसमें एकदम अमेजिंग ट्रिक्स बताई है, आप वो जाके देखो। क्योंकि लेटर राइटिंग आती आती है 20 मार्क्स की होती है, अगर आपने कर लिए तो 20 नंबर पक्के हैं। सो या दैट इज़ व्हाट टुडे। ये कुछ इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे BEG 1135 के, तो मैंने आपको बता दिया। इन सबको कर लो, आई एम टेलिंग यू, इसके बाद आप 100 मतलब बहुत अच्छे 60-70 मार्क्स आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे। बाकी कोई भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट करके पूछ लेना, और लेटर राइटिंग की वीडियो देख लो। बाकी मैंने आपको सॉल्व क्वेश्चन पेपर की बना रखी है BEG 1135 की, वो भी आप जाके देख सकते हो। कुछ मैंने चैप्टर्स भी पढ़ाए हैं, वो भी जाके पढ़ सकते हो। दैट इज़ व्हाट टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।